एवरेज के भागदौड़ में आपका स्वागत है। इसमें हम और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि 13 व्यक्तियों में से पहले 12 का औसत भार 90 kg है। 13 व्यक्तियों में से पहले 12 का औसत भार 90 kg है, मतलब व्यक्तियों की संख्या 13 है लेकिन वहाँ 12 व्यक्ति का औसत भार 90 kg है। ठीक, यदि 13वें व्यक्ति का भार 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 kg अधिक है, ध्यान दीजिएगा, 13वें व्यक्ति का भार 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 kg अधिक है तो उसका भार क्या होगा, मतलब 13वें व्यक्ति का भार क्या होगा, ये पूछा जा रहे थे। मान लेते हैं कि 13वां व्यक्ति ए है, मान लेते हैं कि उसका नाम ए, ठीक है, तब 12 व्यक्ति का औसत भार कितना हो गया है, दिया है 90 kg दिया गया है। ठीक है, ये 12 व्यक्ति का औसत भार 90 kg है। फिर देखते हैं कि 12 व्यक्ति का योग, जैसे कि अगर आपने मेरा पुरानी वीडियोस नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तब उसके सूत्र के आधार पर आपको पता चलेगा कि 12 व्यक्ति का भार का योग क्या होगा। ठीक है, तो भार का योग हो जाएगा 90 × 12 सूत्र की सहायता से, औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या से। तो अगर हम योग निकालें तो औसत को उसके कुल संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो औसत को कुल संख्या से भाग, औसत को कुल संख्या से गुणा करना पड़ेगा, माफ़ कीजिए दोस्तों, औसत को कुल संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो औसत यहाँ प्रश्न में दिया गया है 90 kg। ठीक है, यहाँ 90 kg दिया है, उसके बाद 12 व्यक्ति हैं इसलिए 90 × 12 करेंगे तो 1080 kg आएगा। ठीक, उसके बाद ए को मिलाने पर व्यक्तियों की संख्या कितनी, 13 हो गई, तो उसमें जो योग हमको प्राप्त हुआ 1080, उसमें ए का भी भार जोड़ेंगे अगर हम ए को मिलाकर औसत निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो ए को मिलाने पर मान लेते हैं कि जो औसत आता है, औसत भार, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं औसत, तो 12 व्यक्ति का भार हमारा यहाँ 1080 है और ए का भार हमको पता नहीं है। ठीक है, ए का भार हमको पता नहीं है, और फिर ए को मिलाने पर औसत भार एक्स मान लेते हैं और व्यक्तियों की संख्या 13 हो गई। ठीक, लेकिन प्रश्न में यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि 13 व्यक्तियों की औसत भार से 12 kg अधिक है, इसलिए हम परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या से अगर चलें तो औसत यहाँ एक्स हो गया। ठीक, अब 1080 12 व्यक्ति का भार, ये 12 व्यक्ति भार, और यहाँ औसत भार एक्स है, प्रश्न में दिया गया है औसत भार से 12 kg अधिक है ए का भार ना, इसलिए हम एक्स प्लस 12 कर दिए, क्योंकि एक्स औसत है और उस पर प्लस 12 कर दिए तो ए का भार ये हो गया बटे 13। ठीक, बटे 13 कर दिए। अब इस जो समीकरण, ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन, तो 13x हो जाएगा 13x, और 1080 में 12 जोड़ देते हैं तो 1092 प्लस एक्स, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स को पक्षांतर कर देते हैं इसलिए 13x माइनस एक्स बराबर 1092। फिर यहाँ 1 13x से एक एक एक्स गया इसलिए ये 12x हो गया। अब ये 12x बराबर 1092, अब इसलिए एक्स बराबर 1092/12 = 91 kg। ठीक है, तो 91 kg कितना है, औसत भार आया, एक्स का वैल्यू औसत भार आया। ठीक है, ए को मिलाने वाला, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है औसत भार से कितना अधिक है, 12 kg अधिक है ए का भार, इसलिए यहाँ 12 ऐड कर दिए, इसलिए ए का भार कितना आया, 103 kg, यही इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल है थोड़ा लंबा ज़रूर बना है, मैं जो सवाल एकदम डीपली हल कर बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कंपटीशन में बैठें तो आप इसको इजी वे में बनाएं, कम इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, वहाँ सिर्फ आंसर से मतलब होता है, इसलिए आप एकदम शॉर्ट में बनाएं। मैं आपको यहाँ बताने के लिए, इतना डीप में बताने के लिए ताकि आपको बेस क्लियर हो और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए इसको मैंने लंबा बनाकर इसको आपको डिटेल से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। अब हम नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन इस YouTube में बनाकर डाल रहा हूँ वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आया है, चाहे CG व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे प्रोजेक्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, मैंने वहाँ लिख रखा है कि कौन कहाँ कौन से एग्ज़ाम के से क्वेश्चन मैंने लिया है।
ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए और आगामी परीक्षा जो आप बैठने वाले हो उसमें आपका काम आ सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है क्वेश्चन, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सदस्यों की संख्या 10 है, वर्ष औसत आयु है 30 वर्ष। यदि कप्तान की आयु भी मिला दी जाए तो औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है? जैसे कि यह क्वेश्चन SSC 2017 का है, ठीक। तो परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या से हम इसको परिणामों का योग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 30 × 10 हो जाएगा, तो 30 × 10 मतलब 300 हो जाएगा, ठीक। 30 × 300, तो कप्तान को मिलाने पर संख्या कितनी हो गई? यहाँ 30, यहाँ 10 सदस्य हो गए थे, कप्तान को मिलाए तो 11 सदस्य हो गए, ठीक। अब 10 सदस्यों का योग है ना, यहाँ 10 सदस्यों का योग कितना है अपने पास? 300 आया है, ये 300, ठीक। प्लस कप्तान की आयु जो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करना है और यहाँ टोटल संख्या कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक। तो अब यहाँ अब औसत आयु यहाँ दिया हुआ 31 वर्ष हो जाती है, इसलिए इक्वल टू 31 हमने यहाँ लिया है, ठीक। अब हमको 10 सदस्यों का औसत, 10 सदस्यों का योग कितना हो गया है? ये 300 प्लस कप्तान की आयु बराबर ये जो नीचे लिखा है 11, इसको 31 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, तो कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? अब यहाँ 11 × 31 करेंगे तो 341 आता है। अब यहाँ इसको पक्षांतर कर दिए 300 को, तो 341 माइनस 300 हो जाए तो 41, तो यही 41 इसका उत्तर है। तो कप्तान की आयु 41 ईयर होगी, यह इसका करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब हम नए क्वेश्चन की ओर हैं। दिया है क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें से 4 संख्याएँ 30, 29, 25 और 20 हैं, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? SSC 2017 में यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए, यह 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। 5 संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए हम इसको इस सूत्र की सहायता से योग ज्ञात करें तो 25 × 5 = 125 होगा, ठीक। उसके बाद अब प्रश्नानुसार 5वीं संख्या मान लेते हैं कितनी है? एक्स है, 5वीं संख्या को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब योग ज्ञात करते हैं इसका, 30 + 29 + 25 + 20 + x, तो ये 5ों संख्याओं का योग कितना आया हमारे पास? 125 आया है। तो इस समीकरण के साथ से हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास आया है 21, ठीक। तो ये जो योग आया है हमारे पास 125 से 104 घटा दिए, तो जो x का वैल्यू आया है 21, ये आयु है दोस्तों, ठीक है। अब ये 5वीं संख्या की आयु है। अब देखते हैं 3 बड़ी संख्याओं का औसत, हमारे प्रश्न में दिया है 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ 30 मिला है, 29 मिला है और 25, बाकी इस संख्या इससे छोटी है, इसलिए इस संख्या का औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो 84/3 इसका आता है, फिर इसका 28 आंसर आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 28, 3 बड़ी संख्याओं का औसत होगा, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। कितना वर्ष है? 40 वर्ष है, ठीक। यदि 35 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति जिसका वर्ष 25 वर्ष है आता है, तो नई जूरी की औसत आयु क्या होगी? ये भी SSC 2017 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसमें लिखना भूल गया है, लेकिन ये SSC 2017 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि उनमें से जो 5 सदस्य हैं उनमें से किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है जिसका आयु कितना है? 25 वर्ष है, तो नई जूरी की औसत आयु क्या होगी, ठीक। तो अगर उपयुक्त अगर सवालों में हमने जो हल किया है उनमें से आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, तो हम सीधे योग निकाल, आयु का योग, तो 5 सदस्यों के आयु का योग क्या होगा, ठीक। तो इसमें औसत गुणित सदस्यों की संख्या, ठीक, जैसे कि यहाँ दिया गया है, औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग मतलब 5 सदस्यों का योग बराबर 5 × 40, 5 × 40 40 औसत आयु और 5 सदस्यों की संख्या, इसलिए इसका जब मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो 200 वर्ष आता है, ठीक। तो 5 सदस्यों का योग हो गया। अब इस 5 सदस्य में से कोई व्यक्ति 35 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई व्यक्ति कितना? 35 वर्ष का है।
दो समय से 35 घटा देते हैं तो चार सदस्यों का आयु का योग निकल जाता है 165 वर्ष। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 165 वर्ष चार सदस्यों का आयु का योग है। ठीक, अब इसमें से नया व्यक्ति कितना वर्ष का आता है, 25 वर्ष का आता है, तो इस पर 165 प्लस 25/5 कर देते हैं, क्योंकि पहले चार व्यक्ति क्या था, अब एक व्यक्ति ऐड हो गया जो 25 वर्ष का है, तो बटे में 5 कर देंगे, फिर इसका औसत निकालेंगे, 165 प्लस 25/5 बराबर 190/5, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो 38 ईयर्स आएगा इसका आंसर। तो जूरी की औसत आयु क्या होगी, 38 ईयर्स, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से देखें वीडियो को, और अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो मेरे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको उसका बेस क्लियर हो, और इस और जो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है वो भी समझ में आए, और जो इस औसत वाली मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है इसका बेस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, उसमें मैंने औसत से संबंधित और जो सवाल हैं उसको हल करके बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग दिस वीडियो।